Hi. Please. Would you like to have something? Nahin, kuch nahin. Okay. Actually, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट 3 बार पढ़ी, पर मुझे मेरा रोल कुछ खास नहीं लगा, तो मैं ये मूवी नहीं कर पाऊंगी. प्रोड्यूसर से कोई बहाना बना देना, डायरेक्टली मत बोलना. ठीक है. थैंक यू फॉर द ऑफर. ऑल द बेस्ट. एक मिनट. हाँ, हेलो. हेलो मैम, हम होटल की लॉबी में पहुंच गए हैं. अभी कॉल किया था ना. या तुम्हारा नाम विशाल है ना? Just give me a second. I'll be back. Sure. Thanks. कैसे हैं आप? I'm good. Thanks. Would you like to have something to drink? Coffee? नहीं नहीं जी, आपके दर्शन हो गए. और क्या चाहिए? Actually, मैंने आपकी स्क्रिप्ट 3 बार पढ़ी. इट्स ओके, प्लीज. आई एम रियली सॉरी विशाल. एक और स्क्रिप्ट पर डिस्कशन चल रहा था तो उन्हें मना करने के बजाय तुम्हें मना कर दिया. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. या कोई बात नहीं. कहीं और चलकर बैठना चाहोगे या यहाँ कंफर्टेबल हो? हाँ, यहाँ पे चलेगा मैम. ओके. तो जैसा मैंने कहा, मुझे सिनॉप्सिस अच्छी लगी, बल्कि मैं पायलट फिल्म भी देख चुकी हूँ. आई रियली लाइक दैट. इट्स वेरी नाइस. उसमें जो एक्ट्रेस है वो कौन है? वो मेरी बहन है, मतलब कजिन है. मीना नाम है. ओह, या उसे क्यों रिप्लेस कर रहे हो? बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. वो अच्छी तो है, लेकिन मैं होंगी फिल्म में तो ज्यादा कमाई होगी ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर आप ही के लिए लिखा है. ओके. स्क्रिप्ट वैसे तो तैयार ही है, लेकिन कुछ कमियों को सुधारना बाकी है. 80% काम हो गया है, बाकी हो जाएगा. कोई बात नहीं, जितनी तैयार है उतनी सुना सकते हो. बाकी जब तैयार हो जाए तब सुना देना. लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत सारे शेड्स हैं उसमें. थैंक यू. ट्रैवल करते हुए तो स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, पर ये तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है. कहानी भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और मुझे भी पता चल रही. दिस इज रियली गुड. थैंक यू. अगले 2 दिनों में मैं आगे का अपडेट देता हूँ. हाँ, ओके. थैंक यू. वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी. तुम्हारी फैमिली ने कभी तुम्हें फिल्मों में जाने से रोका नहीं? एक्चुअली 3 साल की मोहलत दी है मुझे. कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप नौकरी कर लूंगा. ओह, तो 3 साल पूरे हो गए? नहीं, अभी 1 साल ही हुआ है. कभी ऐसा लगता है तुम्हें कि इससे तो बेहतर है जॉब ही कर लेते? फिल्म लाइन का कोई भरोसा कहाँ है? मैंने अपनी डिग्रियां जला दी. अपनी डिग्रियां जला दी? पर क्यों? उनका सहारा इरादे कमजोर कर रहा था. अब डिग्री नहीं है तो नौकरी का भी सवाल ही पैदा नहीं होता. अगर जीना है तो फिल्में बनानी ही पड़ेंगी. तो पर ये तो बेवकूफी हुई. अगर कामयाब नहीं हुए तो? ना, कामयाब तो मैं नौकरी में भी हो सकता हूँ. कामयाबी कागजों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है. अच्छा, मैं चलता हूँ. Sure.